वालेकुम अस्सलाम रिश्मा, अब आपकी तबीयत कैसी है? कहेंगे आप लोग माइक ऑफ रहने दें, टाइम शॉर्ट होता है सो बाद में डिस्कस करेंगे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल हम लोगों ने एडोब फोटोशॉप डाउनलोड कैसे करना है वो मैंने बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि 2018 वाला वर्जन डाउनलोड करना है। एक्चुअली मैं डाउनलोड नहीं कर सकी मसरूफियात की वजह से, तो अभी मैं इसी वाले से बता रही हूँ। जो सेम फीचर था मैं वही बताऊंगी, तो कंटिन्यू करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि जब हम लोगों ने न्यू कोई इमेज क्रिएट करना है या खुद से कोई एडिटिंग या डिजाइनिंग करनी है तो हम क्रिएट न्यू पर जाएंगे, और जब हम लोगों ने यानी कोई डिजाइन को एडिट करना है, किसी पिक्चर को एडिट करना है, जैसे कि इसका नाम ही फोटोशॉप है, हमने फोटो एडिटिंग करनी है तो हम ओपन करेंगे फोटो को डायरेक्ट और उसको एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। बट अभी हम लोगों ने जो बेसिक हमारा काम है वो है क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू पे जाके पहले हम जरा थोड़े बहुत टूल सीख लें, ताकि हमें पता हो कि डिजाइनिंग और एडिटिंग करनी कैसे है। स्क्रीन शो नहीं हो रही? फोटोशॉप की स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोगों को? ओके अच्छा, ये हमारे पास आ गया है कैनवस, या आर्टबोर्ड भी कहा जा सकता है इसको। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों के ये जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो गुम जाएं तो आप यहाँ से विंडो से जाके ओपन कर सकते हैं। तो मैं प्रॉपर्टीज ओपन कर रही हूँ, और सबसे जरूरी पैनल यहाँ पे पता है कौन सा है? मुझे कौन बताएगा? जो कि हर वक्त ओपन होना चाहिए, सबसे जरूरी पैनल कौन सा है यहाँ पर, जो कि हर वक्त यहाँ पे ओपन रहना चाहिए? लेयर्स का पैनल। कलर्स तो हम रैंडमली चेंज कर सकते हैं, जो मेन चीज हम चेंज नहीं कर सकते हैं वो है हमारी लेयर्स। वेरी गुड इकरा, हमारी लेयर्स हर वक्त ओपन होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने काम ही लेयर्स में करना है। अगर हम लेयर्स पर काम नहीं करेंगे तो हमारा डिजाइन हम लॉस्ट भी कर सकते हैं, मतलब गुम सकता है हमारा डिजाइन, डिलीट हो सकता है, खराब हो सकता है। तो लेयर्स का पैनल हर वक्त आपके सामने होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि लेयर्स में भी आप क्या काम कर रहे हो। तो अभी मैंने 1000x1000 पिक्सल्स का एक आर्टबोर्ड लिया है, ठीक है। कल मैंने आपको एक टूल बताया था कि ये सिलेक्शन या मूव टूल है, और अगर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे आपको एक आर्टबोर्ड का टूल नजर आएगा कि हम आर्टबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने अगर नया आर्टबोर्ड क्रिएट करना हो तो आप आर्टबोर्ड टूल यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको दूसरी चीज बताई थी जो कि मार्की टूल था। मार्की टूल पर भी राइट क्लिक करो तो एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल भी है, मतलब ये डिफरेंट शेप में है। जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है वो एक बॉक्स के शेप में आपको कुछ सिलेक्ट किसी चीज को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, बट एक बॉक्स के शेप में। अभी मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पर स्क्रीन पर, यानी जो हमारा आर्टबोर्ड था उस पर मैंने ये एक मार्की टूल से एक रेक्टेंगुल ड्रॉ कर दिया है, सिलेक्शन मैंने कर लिया है। अब मार्की टूल का मतलब क्या है? मार्की टूल से हम लोग जो भी बॉक्स बनाते हैं, जितना भी पार्टिकुलर एरिया बनाते हैं, वो उसी एरिया को सिलेक्ट कर देता है। अब मैं इसको डीसिलेक्ट करने का तरीका बताती हूँ। राइट क्लिक करना, डीसिलेक्ट पर क्लिक कर देना, ये रिमूव हो जाएगा। अब मैंने ब्रश टूल यहाँ से सिलेक्ट किया, जो कि मैंने आपको बताया था। ब्रश टूल का साइज आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हो, बाकी डिटेल्स हम शायद आगे जाके पढ़ेंगे। अभी ये मैंने ब्रश टूल ले लिया, ठीक है। और कलर्स मैंने आपको बताया था, ये बैकग्राउंड और ये फोरग्राउंड कलर है। अभी व्हाइट कलर है तो मैं कंट्रोल जेड से प्रेस करूंगी, ठीक है, और बैकग्राउंड मेरी डार्क हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर, ये जो मेरे इसके ऊपर कलर सिलेक्टेड है, मैं अब पूरी स्क्रीन के ऊपर कलर कर पा रही हूँ। डिलीट कर रही हूँ, मैं न्यू लेयर बना लेती हूँ, उस पर कलर करती हूँ। अब मैं पूरी स्क्रीन के ऊपर कलर कर पा रही हूँ, मतलब कोई भी कलर अगर मैं करना चाहूँ मैं पूरी स्क्रीन पे कलर कर पा रही हूँ। मैं थोड़ा सा इसका ब्रश का साइज थोड़ा स्मॉल कर देती हूँ, क्योंकि मुझे छोटा छोटा सा ड्रॉ करना है। ये मैंने लाइंस लगाई, एक सेकेंड, मैं ये लेयर डिलीट कर दूँ। अब मैंने ये लेयर डिलीट की,
तो मेरे जो लाइंस थी वो भी डिलीट हो गई। अब मैं डायरेक्ट इसके ऊपर लगा ये लाइंस लगा रही हूँ तो मैं इसको डिलीट नहीं कर सकती। मैं इसको कंट्रोल जी से अंडू जरूर कर सकती हूँ बट मैं इसको डिलीट नहीं कर सकती। अगर डिलीट करना है या सिलेक्ट करना है, मूव करना है, वो नहीं मैं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैंने इसको लेयर की सूरत में बनाया ही नहीं है। अब अगर मुझे इसको मूव करना है तो पहले मैं न्यू लेयर बनाऊंगी, देन उसके ऊपर मैं ये लाइन बनाऊंगी। ये मैंने न्यू लेयर के ऊपर 3 लाइन बनाई है, और अगर अब मैं इनको मूव करना चाह रही हूँ तो अब मैं इनको मूव कर सकती हूँ। बाकी जो लाइन है उनको मैं मूव नहीं कर सकती। ये जो मैंने अभी लेयर की सूरत में लाइन बनाई है इनको मैं मूव कर सकती हूँ। ये हमारा जो मेन पर्पस है लेयर बनाने का, ये है कि हम अगर किसी चीज को मूव करना चाह रहे हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम लोग इसको लेयर की सूरत में बनाएंगे। अच्छा, ये मैंने बैकग्राउंड सिलेक्ट कर ली। अभी आप लोग देख रहे हो कि मैं इस पे कहीं पर भी लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ हर एक चीज के लिए। एक छोटा सा आपने डॉट भी लगाना है उसके लिए भी आपको लाइंस बनानी पड़ेगी। अब ये देखिए मैं लाइंस लगाती चली जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये बैकग्राउंड पर मैं डायरेक्ट लाइंस बना रही हूँ। इसको कंट्रोल जी कर रही हूँ फिर वक्त तो डिलीट कर रही हूँ, ये लेयर को भी डिलीट कर रही हूँ। अब मैंने मार्की टूल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं मार्की टूल से एक बॉक्स बना रही हूँ। अब मैंने एक पार्टिकुलर एरिया सिलेक्ट कर लिया, मैंने एक एरिया अपने आर्टबोर्ड में से सिलेक्ट कर लिया है जो कि इस पूरे बॉक्स में से सिर्फ अब यही हाईलाइट है। अब अगर मैं ब्रश टूल यूज करती हूँ तो मैंने कहीं पर भी मैं अपना ब्रश ले जाऊं, सिर्फ जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया है उसमें ही मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। मैंने कुछ भी ड्रॉ करना है, मैंने कुछ भी यहाँ पे ब्रश से काम करना है, मैं सिर्फ इस एरिया के अंदर अंदर कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया। मैं कलर चेंज करके करती हूँ ड्राई, ये देखें अब इस एरिया से बाहर नहीं मैं जा सकती। ये मार्की टूल का पर्पस है कि आपने एक पार्टिकुलर एरिया में काम करना है तो आपने मार्की टूल को यूज करना है, ठीक है। मार्की टूल भी आप अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हो, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्स मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, रो सिलेक्ट करनी है, सिंगल कॉलम सिलेक्ट करना है, उसके लिए भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट एक और सिलेक्शन बना लिया, मैंने मजीद इसके ऊपर कुछ ड्रॉ करना है तो मैंने सिर्फ इस एरिया पे ड्रॉ करना है, तो इस एरिया में ड्रॉ करने के लिए मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूंगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, मैंने इसमें डायरेक्ट कलर करना है, मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं ओल्ड बैकस्पेस या कंट्रोल बैकस्पेस प्रेस करूंगी तो मेरा फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर इसी में सिलेक्ट हो जाएगा, इसी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो चीज मैं सिलेक्ट करूंगी, जितना एरिया मैं सिलेक्ट करूंगी मार्की टूल से, कलर भी उसी में जाएगा, काम भी कोई भी करी उसी में होगा। फॉर एग्जाम्पल इरेजर टूल मैं यहाँ से यूज करती हूँ, इरेजर टूल कहाँ गया हमारा, ये इरेजर टूल है। इरेजर टूल भी सिर्फ इसी एरिया पे वर्क करेगा, बाकी किसी एरिया पर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आपने दोबारा इसको सिलेक्ट करना, मार्की टूल सिलेक्ट करो, देन इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। अभी बल्कि ये सिलेक्ट भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको, मैं बता देती हूँ, अभी ये सिलेक्ट भी नहीं होगा दूसरे वाला, क्योंकि मैंने इसको बैकग्राउंड पे ड्रॉ किया है। मेरी गलती क्या हुई है, मैंने इसको बैकग्राउंड पे ड्रॉ किया है, अब मैं इस वाले को सिलेक्ट नहीं कर सकती। अभी जो मेरा चल रहा है काम, मैं सिर्फ उसको ही सिलेक्ट कर सकती हूँ, बट उसको भी मैं मूव ठीक से नहीं कर सकती क्योंकि मैंने इसको बैकग्राउंड की लेयर पे ट्रैक बना दिया। अब मैंने कंट्रोल बैकस्पेस प्रेस किया और सब कुछ डिलीट हो गया। आप कंट्रोल बैकस्पेस प्रेस करते हो या कंट्रोल डी प्रेस करते हो, ये चीज लिख लिया करें, कंट्रोल डी या कंट्रोल बैकस्पेस अगर आप लोग प्रेस करते हो तो आपका जितना भी मटेरियल है, आपकी स्क्रीन पे आपने कुछ भी काम किया, वो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। अगर गलती से भी क्लिक हो गया तो वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जी से वो वापस तो आ सकता है बट डिलीट डिलीट होने का मैंने की बता दिया आपको, ठीक है। मैं अभी अगेन कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस कर रही हूँ, ये डिलीट हो गया। मैंने इसको बैकग्राउंड पे ड्रॉ कर लिया था, ये मेरी गलती थी, ठीक है। अब मैं अगेन न्यू लेयर ले रही हूँ और अगेन सिलेक्शन सिलेक्ट कर रही हूँ। अब ये मैंने एक और बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब मैंने इसमें कंट्रोल बैक स्पेस किया तो ओल्ड बैक स्पेस किया, सॉरी फोरग्राउंड कलर है ना, फोरग्राउंड कलर ऊपर वाला होता है, उसके लिए ओल्ड बैक स्पेस प्रेस करना होता है। तो ओल्ड बैक स्पेस मैंने प्रेस किया तो मैंने इस लेयर के अंदर कलर कर दिया, जो इसके अंदर फिल कर दिया। बट अगर मैं चाह रही हूँ तो जो जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया है उस एरिया के अलावा बाकी सारे एरिया में कलर हो जाए,
तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं पहले तो इसमें से कलर रिमूव करूंगी, इस लेयर को डिलीट कर रही, न्यू लेयर मैं बनाऊंगी, ठीक है, ये मैंने सिलेक्टेड एरिया न्यू लेयर पर ऑटोमेटिकली चला जाएगा, नहीं तो आप इसको डीसिलेक्ट करके दोबारा से भी मार्केट टूल यूज कर सकते हो। अब मैंने नई लेयर के ऊपर ये सिलेक्टेड एरिया, यानी जो एरिया मैंने सिलेक्ट करना है वो मैंने बना लिया। अब मैंने इसकी बैकग्राउंड पे कलर करना है, इस एरिया में कलर नहीं करना, इसकी बैकग्राउंड में कलर करना है। तो मैं राइट क्लिक करूंगी, सिलेक्ट इनवर्स सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। अब आपको एक बॉर्डर नजर आ रहा है, जो सिलेक्टेड एरिया पे मेरा बॉर्डर था वो ही बॉर्डर अब बाहर की साइड पे भी है। अब मैं प्रेस करूंगी ओल्ड बैक स्पेस, जो कलर मैंने बैकग्राउंड पे करना था वो कलर हमारे इनवर्स में चला गया, मतलब इनवर्स में हो गया काम, जो हम लोगों ने इस बॉक्स पे करना था वो अब इनवर्स में चला गया, मतलब जो सिलेक्टेड एरिया मैंने किया था चूज उसकी बैक साइड पे ये सारे का सारा कलर हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अभी मैं रिपीट करती हूँ, मैंने दो चीजें अभी आपको बताई हैं कि अगर मार्की टूल के जो यूजेस हैं, फर्स्ट यूज कि अगर आप ये मैंने न्यू लेयर के ऊपर बना रही हूँ, पहले तो लेयर लाजमी है। अब मैंने एक एरिया सिलेक्ट कर लिया, मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया, मैं कोई भी काम करूंगी वो सिर्फ इस सिलेक्टेड एरिया में ही होगा, मतलब मैंने ब्रश टूल से कोई चीज ड्रॉ करनी है तो ये इसी सिलेक्टेड एरिया में ड्रॉ होगी, या कलर मैंने करना है तो ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके मैं इसी में डायरेक्ट कलर कर लूँ, ठीक है। इरेज करना है तो वो भी इसी बॉक्स के अंदर अंदर ही इरेज होगा, इससे बाहर नहीं जा सकता, एक ही लेयर पर सारा वर्क हो सकता है, बट अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए ही नुकसानदेह है, ये नुकसान आपका ही होगा, मतलब अगर आप एक चीज डिलीट करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक लेयर बना लिया, मैंने एक लेयर बना लिया है, मैं इसी के ऊपर सारा काम करती हूँ। अब मैं इसको भी डीसिलेक्ट कर रही हूँ, मार्की टूल सिलेक्ट करने के बाद डीसिलेक्ट का ऑप्शन आएगा। अब मैंने एक बॉक्स यहाँ पे बना लिया, एक बॉक्स यहाँ पे बना लिया, पहले इसके अंदर कलर्स भी करती जा रही हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस, इधर भी एक बॉक्स बना लिया ऑल्ट बैक स्पेस, इधर भी एक बॉक्स बना लिया ऑल्ट बैक स्पेस। अब मुझे किसी एक चीज को डिलीट करना है, मुझे किसी एक चीज को डिलीट करना है, मतलब अभी तो मैं इसको मूव कर रही हूँ, ये देखिए मैंने जो अभी सिलेक्टेड था वो ये एरिया, मैं एक और बॉक्स यानी सिलेक्शन सिलेक्ट करती हूँ, अब मैं इस सिलेक्शन को मूव कर सकती हूँ, बाकी किसी सिलेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मूव ही नहीं कर सकती, मैंने सिलेक्शन मूव टू सिलेक्ट भी कर लिया, मैं किसी सिलेक्शन को अकेले अकेले मूव नहीं कर सकती और अकेले डिलीट भी नहीं कर सकती, अगर मैंने कंट्रोल बैकस्पेस प्रेस किया या डिलीट की प्रेस की तो सब कुछ डिलीट होगा, ठीक है, अगर मैंने कुछ डिलीट करना चाहा तो सब कुछ डिलीट होगा, अगर मैं एक ही लेयर पे काम कर रही हूँ, मैंने एक ही लेयर पे सारा काम कर दिया और मैंने एक चीज डिलीट की तो सब कुछ डिलीट हो गया, ये लेयर्स में काम होगा सारा, आपने लेयर्स का बहुत ध्यान रखना है, इस चीज को समझे, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा, अगर आप एक एक डॉट के वाइज भी आप काम करो ना, मतलब एक डॉट लगा रहे हो एक लेयर बनाओ, दूसरा डॉट लगा रहे हो दूसरी लेयर बनाओ, फॉर एग्जाम्पल आप शेप टूल से स्टार्ट करें, आप एक बॉक्स बना रहे हो एक लेयर पे एक बॉक्स बनाओ, नेक्स्ट शेप जो है वो दूसरी लेयर पे बनाओ, नेक्स्ट शेप उससे नेक्स्ट लेयर पे बनाओ, ये काम आप करो, पहले लेयर्स के ऊपर प्रैक्टिस कर लो। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मैंने बताया कंट्रोल बैक स्पेस मैं प्रेस करूंगी तो सब डिलीट हो जाएगा, बट पहले मुझे लेयर सिलेक्ट करनी पड़ेगी, मैं इधर से बैक स्पेस प्रेस करूंगी फिर मेरा स्टक होगा, अच्छा चले मैं लेयर ही डिलीट कर रही हूँ, मैंने लेयर डिलीट कर दी और ये सारा कुछ मूव हो गया, खत्म हो गया, रिमूव हो गया। अच्छा एक चीज मैंने ये बताई कि लेयर कैसे काम करती है, दूसरा मैंने बताया कि जो सिलेक्टेड एरिया हम सिलेक्ट करेंगे उसी में काम हो सकेगा, अब दूसरी चीज मैंने बताई है इनवर्स की, अब मैंने ये बॉक्स बना लिया, मैं इसको थोड़ा सा मूव करती हूँ, फिर मैंने बैकग्राउंड पे काम किया, मैं न्यू लेयर बना रही हूँ उस पर काम करूंगी, अब जो मैंने सिलेक्टेड एरिया बना लिया है मैंने इसकी बैक साइड पर वर्क करना है, मैंने इसकी बैक साइड पर कलर करना है, इस एरिया में मैं कलर नहीं करना चाहती, तो मैं राइट क्लिक करके, अभी मैंने ये बैकग्राउंड के ऊपर बनाया था इसलिए ये वर्क नहीं करा, या यहाँ से आपने अपने टूल से देखने हैं कि आपने ये टूल सिलेक्ट भी किया है कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैंने मूव टूल सिलेक्ट किया, यहाँ राइट क्लिक करूंगी ये आएगा, मैंने ब्रश टूल सिलेक्ट किया राइट क्लिक करूंगी तो इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी, अगर मैंने मार्की टूल की प्रॉपर्टीज देखनी है तो राइट क्लिक मार्की टूल को सिलेक्ट करने के बाद होगा, किसी टूल को अनसिलेक्ट कैसे करना है, आप सिंपली दूसरे टूल पर क्लिक करें वो अनसेलेक्ट हो जाएगा,
अच्छा ये मार्केट टूल मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सिलेक्ट इनवर्स कर दिया। अब जब तक आपको ये कॉर्नर में आपका फ्रेम नहीं ना दिखता, तब तक आप लोगों ने श्योरिटी नहीं है आप लोगों की कि आप लोगों का जो इनवर्स है वो सिलेक्ट हो गया हो। ठीक है, अब ओल्ड बैक स्पेस प्रेस करूंगी, ये बैक साइड पे कलर हो गया। मैंने दोबारा रिपीट कर दी ये चीज, डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैं डीसिलेक्ट कर रही हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज है मार्की टूल में ही मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर रही हूँ सिंपल सा। आपको यहाँ पे कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, जब आप मार्की टूल को सिलेक्ट करते हो यहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। इन बॉक्सेस का क्या मतलब है, फर्स्ट वाला बॉक्स जब सिलेक्टेड है तो ये न्यू सिलेक्शन के लिए, मतलब आप किसी चीज को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, मतलब किसी एरिया को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, तो आप ये वाला टूल यूज कर रहे हो, फर्स्ट वाला टूल यूज कर रहे हो। बट अगर आप सेकंड वाले को सिलेक्ट करते हो और फिर आप कोई न्यू चीज ड्रॉ करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बॉक्स और ये बॉक्स इसके ऊपर ही बना लिया, तो ये सेकंड टूल क्या करेगा, दोनों को मर्ज कर देगा। ठीक है, ये दोनों को मर्ज कर देगा। अब ये अगर मैं थर्ड वन सिलेक्ट करूं तो, और मैं इसके ऊपर एक सिलेक्टेड एरिया बनाऊं, आपको इस प्लस के साथ एक माइनस नजर आ रहा है, मैं जहां से इसको सिलेक्ट करूंगी वहां से ये रिमूव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया और कुछ बॉक्सेस बनाए, इस वाले को मैं डीसिलेक्ट कर रही हूँ, मैंने वन वन टू थ्री फोर, ये मैंने फोर शेप्स बना दिया। मैंने इसमें से ये डी सिलेक्ट करना, मतलब एक शेप बनानी है, मैं इस वाले को सिलेक्ट करूंगी और मैं कहीं पर भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी ये बॉक्स बनाती हूँ तो ये सिर्फ उतना उतना एरिया ही कट कर देगा। जो एरिया मैंने कट करवाना है इसमें से सिलेक्शन में से, ये वो एरिया कट करता चला जाएगा, सिलेक्शन में से कट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए पीछे बॉक्स ही रह गया। अब मैं अगेन दोबारा से ड्रॉ करती हूँ, ये सारे को मैंने कट कर दिया। अब जो मैं नेक्स्ट बॉक्सेस बनाऊंगी, फॉर एग्जाम्पल वन, मैं इसमें कलर्स भी कर देती हूँ ताकि हमें पता लग जाए, टू थ्री। अब ये मैंने तीन बॉक्सेस बना दिए हैं। अब ये जो लास्ट वाला है वो मैं सिलेक्ट करूंगी, ये इंटरसेक्ट होता है, इंटरसेक्ट होता है। अब मैंने ये सिलेक्ट किया और मैं इधर से रैंडमली एक छोटा सा बॉक्स बना रही हूँ जिसमें तीनों आ जाए। अब मैं जो ये सिलेक्ट करूंगी ये सिर्फ उतना पार्ट छोड़ देगा जो कि हमारा, अभी ये डिलीट नहीं हुआ, फिर स्टक हो गया मेरा फोटोशॉप। ये जो लास्ट वाला है जब मैं वो सिलेक्ट करूंगी ये सिर्फ उतना एरिया रहने देगा जितना मैंने सिलेक्ट किया है, बाकी सारे को ये रिमूव कर देगा। अभी मैं उसको जरा डिलीट कर रही हूँ, दोबारा से मैं बताती हूँ। मैंने एक बॉक्स बनाया और बैक स्पेस इसमें कलर कर दिया, दोबारा एक और बॉक्स बनाया, ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, कलर फिल का ओल्ड बैक स्पेस, ओल्ड बैक स्पेस से ये कलर फिल होगा। ये देखें ये बिल्कुल एक छोटा सा सर्कल बना देगा। मैंने जो दो बॉक्सेस बनाए थे मैं इस लेयर को ही डिलीट करती हूँ, न्यू लेयर बनाती हूँ। सिलेक्ट कर दिया, मैं न्यू लेयर बना रही हूँ, वन टू इसकी कॉपी नहीं होगी। अगर आप ये देखें आप एडोब इलस्ट्रेटर में तो आपने कॉपी करनी हो तो ऑल्ट की प्रेस करके ड्रैग करके कॉपी कर सकते हो, बट अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने ये एक बॉक्स फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया हुआ है, आप माइनस प्रेस करोगे, माइनस प्रेस ओ सॉरी ओल्ड प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे माइनस नजर आएगा, और माइनस का मतलब क्या है, ये सब्ट्रैक्ट कर देगा। ये जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है, मैं माइनस सिलेक्ट करूंगी स्क्रीन पर जाके, तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर देख सकते हो कि हमारा ये टूल सिलेक्ट है, और अगर मैं शिफ्ट सिलेक्ट करूंगी तो आपको नजर आ रहा होगा कि प्लस आ रहा है और यहाँ पर हमारा मर्ज हो जाएगा, मतलब मैं एक और चीज ऐड करती हूँ तो ये मर्ज कर देगा। तो ये कीज जो है ये रैंडम वर्क करती है, हर चीज के लिए हर पर्पस के लिए अलग अलग की है। ठीक है, अब एलिप्टिकल मार्की टूल है, हमने अगर इक्वल शेप ड्रॉ करनी है तो शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करेंगे।
इक्वल शेप ड्रॉ करनी है, इक्वल साइज में करनी है, तो हम शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रॉ करेंगे। बट अगर हमें इक्वल नहीं चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसको रैंडमली ड्रॉ करूंगी। आप इससे ओवल बना सकते हो, आप इससे रैंडम सर्कल्स बना सकते हो, छोटे छोटे सर्कल, किसी भी शेप, ये देखिए किसी भी शेप के आप इस सर्कल बना सकते हो और इसके अंदर कलर कर सकते हो। ये देखें, मैं इसको भी डीसिलेक्ट करती हूँ। इसमें भी सेम वही ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ओवल बना रही हूँ और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स कर रही हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट इनवर्स कर दिया और ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर रही हूँ, तो इसकी बैक पर सारा कलर हो जाएगा और ये सर्कल आ जाएगा। ठीक है, मैं कंट्रोल जी कर रही हूँ और डी सिलेक्ट कर रही हूँ। अब मैं आपको एक मजे की चीज बताती हूँ मजीद। मैंने अब यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया एलिप्स से, और यहाँ पे आपको फेदर का ऑप्शन, जिसको आपने देखा है कि मैंने अभी अभी इसको 0 पर किया है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम मैं राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी फेदर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी फेदर आ रहा है, यहाँ पर भी फेदर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो और फिर आप ड्रॉ करते हो, तो आप जितनी दफा मर्जी सर्कल ड्रॉ करोगे तो फेदर आएगा। मैंने इसीलिए पहले 0 किया। ये एक एक फीचर है, एक फोटो एडिटिंग के लिए फिल्टर है। अगर आप पहले ही फेदर के ऊपर क्लिक कर देते हो, तो आप जितने भी सर्कल ड्रॉ करोगे वो फेदर के फिल्टर के साथ आएंगे। बट मैंने इसको 0 करके फिर ड्रॉ किया है, तो इसीलिए ये सिंपल एक सर्कल आ गया। ठीक है, सिंपल एक सर्कल फॉर्म में आ गया और एलिप्स फॉर्म में, मैंने एलिप्स फॉर्म में इसको ड्रॉ कर लिया। अब मुझे इस पे फेदर इफेक्ट ऐड करना है। फेदर इफेक्ट क्या है मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। फेदर इफेक्ट में यहाँ पर 20% या 50% में फेदर ऐड कर दी मैंने, और यहाँ से मैं रेक्टेंगल मार्की टूल और यहाँ पे 50 में फेदर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, फेदर मैंने 50 ऐड कर दिया, मार्की टूल अब मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, मैं एक बॉक्स बना रही हूँ। अब ये देखिए मैंने एक बॉक्स बनाया है और इसके कॉर्नर राउंड है, इसके कॉर्नर राउंड नहीं है, इसके कॉर्नर स्मूद हो गए। ठीक है, इसके कॉर्नर्स राउंड नहीं है, इसके कॉर्नर्स स्मूद हो गए हैं और ब्लर हो गए हैं। ठीक है, फैदर एक इफेक्ट है जो हमारी पिक्चर्स के ऊपर आप लोग अक्सर देखते हो। मैं आपको अभी इसमें कलर करके बताती हूँ। मैंने इसके अंदर फिल्म में कलर करना, ऑल्ट बैकस्पेस मैंने प्रेस किया, तो आप ये देख सकते हो एक ब्लरी सा इफेक्ट आ गया, एक ब्लर सा कलर आ गया। मैं अब यानी फैदर मैंने 50% ये ऐड किया। अगर मैं इसको मजीद बढ़ाऊँ और फिर ड्रॉ करूँ, ड्रॉ करने के लिए आपको अलग से दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मैंने ये जो सिलेक्शन सिलेक्ट किया, मैं पहले इसको डी सिलेक्ट करूंगी। अब यहाँ पर मैं पहले 80 कर देती हूँ फेदर को, फिर मैं एक मार्की टूल सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, अब ये देखिए मजीद थोड़ा सा ना इसके कॉर्नर कर्व हो गए हैं। अब मैं इसमें ऑल्ट बैकस्पेस करूंगी, अब ये मजीद ब्लर हो गया, इसके कॉर्नर मजीद ब्लर हो गया। आप इसको डिटेल से जूम करके भी देख सकते हो कितने स्मूद आए हैं। ठीक है, ये एक इफेक्ट है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। सेम यही अगर हम बैक साइड पर चाहें, मतलब इनवर्स में चाहें, मैं इसको डिलीट करती हूँ, इसको डिसलेक्ट किया। अगर सेम यही प्रोसेस मैं इनवर्स में चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर लिया 80 फैदर के साथ, और मैं राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स करूँ और देन ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँ, तो बैक साइड पर भी सेम ऐसे ही आएगा। ठीक है, बैक साइड पर भी सेम ऐसे ही इफेक्ट देगा। देखें ये हमारे पास फाइनल इफेक्ट आ गया। ठीक है, अब ये हम एक पिक्चर के ऊपर ट्राई करते हैं। ठीक है, ये मेरा जो सिलेक्टेड है ये अभी मूव कर रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको लेयर के ऊपर बनाया था, ये इसीलिए मूव कर रहा है। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, इसको भी अनसिलेक्ट कर देते हैं, मार्की पे जाके अनसिलेक्ट करूंगी, इस लेयर को ही मैं डिलीट कर रही हूँ, इफेक्ट ऐसे ही रहेगा लेयर पे जो हमारा बैकग्राउंड कलर है। जरा मैं वो थोड़ा चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं वाइट ही कर रही हूँ। अब मैं पिक्चर यहाँ पर लेके आऊंगी, हम पिक्चर के ऊपर इफेक्ट लगाएंगे। अभी ये बात फैदर इफेक्ट, आज हम एक इफेक्ट पिक्चर के ऊपर लगाएंगे। पिक्चर के ऊपर इफेक्ट कैसे लगाना है, पहले पिक्चर हमें चाहिए, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी अनस्प्लैश एक वेबसाइट है जो कि आपको एचडी रिजल्ट में पिक्चर प्रोवाइड करती है।
बहुत अच्छे रिजल्ट्स में, और बहुत इसके मतलब बहुत हाई रेजोल्यूशन वाले इसके रिजल्ट होते हैं। तो कोई एक पिक्चर हाई रेजोल्यूशन वाली हम देख लेते हैं। अच्छे से पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर हम ये इफेक्ट लगा सकें। चलिए मैं इसी को डाउनलोड कर रही हूँ। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होता है, आप इस पर क्लिक करो। ये देखिए ऊपर डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसको करूंगी टैब को क्रॉस, ठीक है, मुझे सेव नहीं करना। अब मैं डायरेक्ट ओपन पर क्लिक करूंगी और डाउनलोड में जाके मेरी पिक्चर को ओपन करूँ। एक मैं न्यू टैब में एक कार्डबोर्ड 1000x1000 पिक्सल्स का भी मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें, अब ये देखिए ये 66% पे है, मतलब ये 66% जूम है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखो ये 12% जूम है। और अगर मैं इसको 100% पे करना चाहूँ, तो ये देखें अगर मैं इसको 100% पे करना चाहूँ तो इसको कितना जूम कर सकते हैं। अभी भी ये ज्यादा हो गया 100% से, ये 95% है, मतलब इस पिक्चर का साइज बहुत ज्यादा है, इस पिक्चर का साइज बहुत ज्यादा है, हमें फेदर भी ज्यादा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हमारे पास जो एलिप्टिकल मार्की टूल है मैं वो सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूंगी बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। पहले तो मुझे लेयर बनानी चाहिए थी, तो मैं लेयर पहले बनाऊंगी और सेंटर में मैं एक एलिप्टिकल मार्की टूल से एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आऊंगी, जो पोजीशन मुझे चाहिए, ठीक है, जो मुझे पोजीशन चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंगली इसको सेट करूंगी। ये बिल्कुल इसका सेंटर है। आज वाकई नेट का ज्यादा इश्यू है, बार बार लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं। अच्छा, ये मैंने सिलेक्टेड एरिया सिलेक्ट कर लिया जितना मुझे चाहिए, ठीक है। अब इसकी बैकग्राउंड पे कौन सा कलर करना है वो मैं सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। मैं बैकग्राउंड पे कौन सा कलर करना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा लाइट सा कलर करना चाहूंगी बट कोई इंटरेस्टिंग सा, फॉर एग्जाम्पल ये कलर। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगी और करूंगी सिलेक्ट इनवर्स। पहले तो मुझे सिलेक्ट इनवर्स करना है, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं फेदर सिलेक्ट करूंगी। जैसे कि मैंने बताया ये अभी भी 13% है, तो मुझे इसका फेदर सिलेक्ट करना है। मैं फेदर पर क्लिक करूंगी और फेदर मैंने सिलेक्ट कितना करना, कोई ज्यादा मतलब 100% से भी ज्यादा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 100 ही कर लेती हूँ, फेदर 100 करके ओके किया और यहाँ पर मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करती हूँ। ये देखें ये कलर आ गया, कलर बहुत पंजर्म सा है, मैं कलर चेंज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लैक कर देती हूँ कंट्रोल बैक स्पेस, ये मेरे पास कलर आ गया, ठीक है, फैदर का। और फैदर का जो, एक मिनट, सिलेक्टेड एरिया हम करते हैं, सिलेक्ट कर रही हूँ। अब ये देखिए मेरा इमेज इस तरीके से दिखता है। अभी फैदर कम है, मुझे फैदर ज्यादा करना है। मैं राइट क्लिक कर रही हूँ, फैदर में जा रही हूँ, मैं इस 100 की जगह पे 300 करूंगी। मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, पहले तो दोबारा से मैं ड्रॉ करूंगी। अब मैंने फैदर सिलेक्ट करना है 300, बल्कि 300 से भी ज्यादा 400 कर रही हूँ। और कलर भी मैं चेंज कर रही हूँ, मुझे रेड ये ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, कलर मैं कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल व्हाइट मैं कलर कर देती हूँ, ओके। और कंट्रोल बैक स्पेस,
ये देखें, अब ये 400 पे जाके बिल्कुल ब्लरी इफेक्ट आ गया, बट ये स्क्रीन के अंदर अंदर भी आ रहा है, तो मैं इसलिए इसका जो फेदर है वो कम करूंगी। अगेन मैं बैक स्पेस फेदर में जाऊंगी तो मैं 300 करके देख रही हूँ कि मेरी पिक्चर ना अफेक्ट हो ना, कंट्रोल बैक स्पेस। अब ये देखिए अभी भी स्क्रीन के अंदर आ रहा है, कंट्रोल जी, राइट क्लिक फेदर, 300 की बजाय मैं 250 कर दूंगी। ओके कंट्रोल बैक स्पेस, ये मेरा अफेक्ट आ गया पिक्चर के ऊपर, ठीक है। और मेरी फिर से वही गलती कि मैंने न्यू लेयर पर नहीं ये काम किया, मुझे न्यू लेयर पर ये काम करना चाहिए था। अब करते हैं कंट्रोल बैक स्पेस, अब ये इफेक्ट मेरी न्यू लेयर पे आ गया, ठीक है। अभी भी वैसे पिक्चर के अंदर अंदर आ रहा है, हमें इससे भी काम कर देना चाहिए। 150, और अब मैं कलर भी चेंज कर रही हूँ, कलर मैं थोड़ा बैकग्राउंड से मिलता जुलता करना चाह रही हूँ, तो स्काई ब्लू टाइप कर लेते हैं थोड़ा सा। कंट्रोल बैक स्पेस, ये देखें ये हमारी पिक्चर के ऊपर इफेक्ट आ गया। डिसलेक्ट करूंगी, ये हमारी पिक्चर के ऊपर इफेक्ट आ गया। आप अपनी मर्जी से किसी भी पिक्चर के ऊपर, अपनी पिक्चर के ऊपर भी ये इफेक्ट ऐड कर सकते हो इसे, ठीक है। आज हम लोगों ने पहली पिक्चर एडिटिंग की जिसको फेदर इफेक्ट कहते हैं, तो आप लोगों ने भी आज क्या ट्राई करना है, ये फेदर इफेक्ट ट्राई करना है, और नीचे मेंशन भी करना है कि ये कौन सा इफेक्ट है। मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी है हमारा जो बैकग्राउंड है, तो मैं इसका साइज भी बड़ा रखती हूँ। 200 में टेक्स्ट का भी साइज कर रही हूँ, देखिए मैंने 200 टेक्स्ट का साइज किया है और ये इतना कम है। यहाँ पे मैं लिखूंगी फेदर इफेक्ट, ठीक है। ये फेदर इफेक्ट ऐड हो गया, इसको मैं सेंटर में लेके आ रही हूँ और इसका कलर मैं चेंज कर दूंगी प्रॉपर्टीज से जाकर। फिर अगेन सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, व्हाइट कलर सिलेक्ट किया है, ओके कर दिया, ठीक है। ये फेदर इफेक्ट आ गया हमारा। आप लोगों ने भी ये इफेक्ट अपनी पिक्चर्स के ऊपर लगाना है, जो मेल अपनी पिक्चर पर लगा सकते हैं, जो फीमेल है इस तरह से रैंडमली कोई भी पिक्चर लेकर उसके ऊपर ट्राई कर सकती हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने पहला इफेक्ट सीखा है। फेदर इफेक्ट ऐड करने के लिए पहले तो आपको एक हाई रेजोल्यूशन पिक्चर की जरूरत है, फिर आपने एलिप्टिकल मार्की टूल सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अपनी मर्जी से आपने जितना एरिया आपने सिलेक्ट करना है उतना एरिया आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। मैं बिल्कुल सेंटर से सिलेक्ट कर रही हूँ जो एरिया मुझे चाहिए। बैकग्राउंड के लिए मैंने पहले से ही कलर सिलेक्ट कर लिया जो कि मेरी बैकग्राउंड से मिलता है। न्यू लेयर मैंने बना लिया क्योंकि मैं अपनी लेयर यानी डिलीट नहीं होना देना चाहती, अपना डिजाइन खराब नहीं करना चाह रही, तो मैंने न्यू लेयर सिलेक्ट कर लिया। अब मैं करूंगी राइट क्लिक, फेदर इफेक्ट सिलेक्ट करूंगी, फेदर इफेक्ट से जाके मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी कि मुझे कितना इफेक्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे 200 का इफेक्ट चाहिए, मैंने 200 सिलेक्ट करके फेदर इफेक्ट ऐड कर लिया। राइट क्लिक करूंगी, सिलेक्ट इनवर्स करूंगी, ठीक है। फिर मैंने कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करना, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूंगी तो ये मेरा ऑटोमेटिकली इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये इफेक्ट ऐड हो गया। अब आप इसको डीसिलेक्ट करके देख सकते हो आपका इफेक्ट कैसा लग रहा है, ये देखें इस तरह लग रहा है। मैंने ज्यादा इफेक्ट फेदर ऐड कर लिया है, मैं राइट क्लिक करूंगी, फेदर में जाऊंगी, यहाँ से 150 अगेन कर रही हूँ, एंटर प्रेस किया, बट ये अब दोबारा से लगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले फेदर इफेक्ट सिलेक्ट करने से पहले, कलर ऐड करने से पहले मुझे सिलेक्ट करना था कि मुझे ये क्या कितना फेदर चाहिए, तो मैंने यहाँ से 150 दोबारा से किया, 150 यहाँ से दोबारा सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, देन सिलेक्ट इनवर्स, देन मैंने कलर सिलेक्ट करना जो मैंने ऐड करना है। एक सेकेंड वेट कर,
कलर फिर चेंज हो गया, सो हम कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। ये कलर मैंने ऐड कर दिया। अब मैं कंट्रोल बैकस्पेस प्रेस करूंगी तो ये कलर मेरी बैकग्राउंड पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं अब डी सिलेक्ट कर दूंगी इसको, ये मेरे पास इफेक्ट आ गया। और टाइप टूल से मैंने नीचे टाइप कर देना कि ये कौन सा इफेक्ट है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फैदर इफेक्ट। ठीक है, और इसको मैं कलर कर दूंगी क्योंकि पीछे डार्क बैकग्राउंड है, तो मैं कलर यहाँ पे कर दूंगी प्रॉपर्टीज से चेंज, यहाँ से व्हाइट कलर कर दूंगी ताकि वो शो हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए। ये हमारा फैदर इफेक्ट ऐड हो गया। ठीक है, समझ आ गई है। मैं बता देती हूँ, डाउनलोड करने के लिए, सेव करने के लिए फाइल में जाना है, आप लोगों ने एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट एज करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट एज करके आप लोगों ने पीएनजी फाइल में मुझे डाउन सेंड करना है, या जेपैक, यहाँ से पीएनजी या जेपैक करें। पीएनजी ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आपने नहीं ऐड करनी। ठीक है, उसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट कर देंगे आपके लैपटॉप में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, यहाँ से सेव कर लें। मीटिंग एंड होती है तो आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करनी है। ठीक है, यहाँ से सेव कर ले, ये सेव हुई है पीएनजी फाइल। बट अगर आप दोबारा से इसको एडिट करना चाहते हैं तो उसका तरीका अलग है, आप लोग मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करें वो मैं बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसको दोबारा सेव करने का मेथड आपको बताती हूँ, बट सेव से पहले मैं इसका कलर चेंज करने का भी मेथड बता देती हूँ। दोबारा से मैं मार्की टूल पे जा रही हूँ। नहीं, मैंने लेयर सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने कलर चेंज करना है, कलर मैंने ब्लैक करना है। ओके किया, कंट्रोल बैकस्पेस, नहीं दोबारा से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। दोबारा एक दफा रिपीट कर लेते हैं फिर। चलें, ये आ ही गया, कंट्रोल बैक्स पे ये ब्लैक कलर आ गया। ठीक है, अब इस पे मैं टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ, और टेक्स्ट में मैंने कलर लिखा था टेक्स्ट फैदर इफेक्ट। आप लोग अपनी पिक्चर्स के ऊपर ये इफेक्ट ट्राई कर सकते हो, आप किसी और की पिक्चर के ऊपर ये इफेक्ट ट्राई कर सकते हो। फादर इफेक्ट ऐड हो गया हमारा। टेक्स्ट की लेयर ऑटोमेटिकली बन जाती है तो मैंने इसलिए टेक्स्ट की लेयर नहीं बनाई, बट अगर आप बैकग्राउंड के ऊपर काम करोगे तो मुश्किल हो जाएगी फादर इफेक्ट। ठीक है, अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड करने का तरीका मैंने भी बताया, फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट में जाएं। अगर आपने पीएनजी या जेपैक फॉर्मेट में करना है, पीएनजी या जेपैक फॉर्मेट में करना है, देन आप यहाँ से गिफ की फॉर्मेट में या एसवीजी की फॉर्मेट में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर आपने एडिटेबल लिंक रखना है, जिसको सोर्स फाइल भी बोला जाता है, और आपने दोबारा से इसको एडिट करना है, आप चाहते हो कि इसको दोबारा से मैं यूज कर सकूँ पिक्चर को और एडिट कर सकूँ जहाँ पे मैंने छोड़ा है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने फाइल में जाना है, सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करके सेव ऑन योर कंप्यूटर करें। ठीक है, यहाँ पे अपनी फाइल का नेम लिखें, जैसे कि हमारा फादर इफेक्ट आज मैं यही लिखूंगी। यहाँ से आपने फर्स्ट वाली फोटोशॉप PSD PDD PSDT, ठीक है, ये जो आ रहा है PSD जिधर लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल अगर PSD भी लिखा हुआ है, प्रिंट करने के लिए आप PDF में डाउनलोड करोगे। प्रिंट करने के लिए भी आपने यही प्रोसेस करना है, यहाँ से PDF सिलेक्ट कर लेना है। PDF आएगा यहाँ पे, देखने दे जरा मुझे, इसमें आएगा या तो उसी में आएगा PDF फॉर्मेट, मेरे ख्याल से तो इसी में आता है, या SVG फॉर्मेट भी प्रिंट हो सकता है। ये देखें PDF, नहीं हाँ यही है, फोटोशॉप PDF। अगर आपने प्रिंट करना तो आप PDF फोटोशॉप PDF के थ्रू आप ये कर सकते हो, ये PDF है। बट अगर आपने दोबारा से एडिट करना है इसको, तो आप फोटोशॉप में वाली फर्स्ट वाली सिलेक्ट करोगे, मे बी फर्स्ट पे ना आए ये, मे बी ये सेंटर में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, बट आप लोगों ने जहाँ PSD लिखा हुआ है, PSD फॉर्मेट ही फोटोशॉप में दोबारा एडिट हो सकता है।
आपने ये सिलेक्ट करना है, देन आपने इसको सेव कर लेना है। ओके, देन ओके प्रेस करें, ये सेव हो गई है। यहाँ पे नेम भी इसका चेंज हो गया, पहले इसका नेम कुछ और था, जो पिक्चर का नेम था वो मैंने ऐड किया था, अब ये इसका नेम हो गया है फेदर पर। ठीक है, ये चीज समझ आई है। एक और पिक्चर के ऊपर इफेक्ट ट्राई करते हैं, क्या ख्याल है? एक और पिक्चर के ऊपर इफेक्ट ट्राई करें, रिवाइज हो जाएगा आपके लिए। गुड, जी आज दोनों कर दूंगी। ये पिक्चर देखें, ये सेंटर में इसके पिक्चर है ना, ये भी एक अच्छी पिक्चर है। इस पर ट्राई करते हैं। फाइल में जब जाना है और ओपन में जाना है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ये भी डाउनलोड नहीं हुई, ये डाउनलोड हो जाए। ये हैवी है काफी, ये डाउनलोड हो जाए। वैसे तो ये 3.7 MB की है, और ये वाली तो किलो वाइट्स में थी। साइज से नहीं हम अंदाजा लगा सकते कि ये कितनी इसकी पिक्सल है। डाउनलोड होने में ज्यादा ही टाइम लग रहा है इस पे, कोई नहीं, वेट कर लेते हैं। तब तक आप लोगों के जो क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। ये देखिए, मैं इसको मूव कर सकती हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने इसकी लेयर बनाई हुई है। किसी का कोई क्वेश्चन है तब तक? कोई भी क्वेश्चन जहन में आ रहा किस टूल से के हवाले से जो आपको समझ ना आया हो? चलिए, ये डाउनलोड हो गई है हमारी पिक्चर। इसको करूंगी मैं यहाँ से फाइल में जाके ओपन। ये भी 12% पे है। इस पे भी सेम एलिप्टिकल टूल, मार्की टूल सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से सर्कल बना लूंगी जितना मुझे चाहिए। ठीक है, ये मैंने सर्कल सिलेक्ट कर लिया सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। और मैं अब एक न्यू लेयर बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ से मैंने न्यू लेयर बना ली और राइट क्लिक करके मैं पहले इसका फेदर सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पे मैं इसका फेदर कर रही हूँ। मुझे काफी ब्लरी इफेक्ट चाहिए क्योंकि ये पिक्चर भी ब्लरी इफेक्ट के साथ है, तो मैं 300 कर लेती हूँ। ओके कर दिया। अब मैं कलर सिलेक्ट करूंगी जो मैंने इसकी बैकग्राउंड पे करना है। अभी राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स कर दिया। अब मैंने कलर सिलेक्ट करना है, कलर यहाँ से थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा पिक्चर के। ठीक है, अगर मैंने सेम इसी वाला ले लिया तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ब्लैक करके देखते हैं थोड़ा सा, या ग्रे, ग्रे बेटर है। ओके किया, कंट्रोल बैक स्पेस, ये देखें हमारा एब्स्ट्रैक्ट ऐड हो गया। ठीक है, इफेक्ट हमारा ऐड हो गया। और अब मैं अगेन इस पे अगर टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो टेक्स्ट भी लिख सकती हूँ। डी सिलेक्ट करूंगी राइट क्लिक करके, बाकी टूल पे जाके डी सिलेक्ट करूंगी। ये हमारी पिक्चर के ऊपर इफेक्ट आ गया। ठीक है,